अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? सैयदा फातिमा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आप सभी को ईदुल मिलादुन्नबी मुबारक हो और गणेश चतुर्वेदी मुबारक हो आप सभी। दो फेस्टिवल आज एक साथ आए, हिंदू का भी और मुसलमान का भी, दोनों को भी सुख, हर किसी को मुबारक हो। और यहाँ पर मॉर्निंग से वीडियो बतला रही हूँ। यहाँ पर नाश्ता करके जल्दी जल्दी ये कल की फली बनाए थे मम्मी, और ये फली और रोटी डाल रहे, और नीचे पातिया दिलाने का है सास के पास हमारे, मिलादुन्नबी बनाते हैं हम लोग, तो खीर पूरियाँ बनाने का भी वीडियो बतलाती हूँ। मॉर्निंग से वीडियो आप सभी को डाल के बना रही हूँ, मॉर्निंग से वीडियो आप सभी को बना रही हूँ। जल्दी जल्दी रोटी डाल के उसके बाद में फिर अच्छे से सेक के रोटी, मम्मी भेल रहे थे, मैं रोटी डालते जा रही थी। और हम सब दोनों खा लिए हल्ली कड़ी रोटी खा लिए हम लोग, खा लेके फिर नीचे गए बाद में आटा वो एक गूंद के रखे थे सब जनों। देखो खोपरा भी गल दिए खोपरे का, और ये दाल की पूरी, उसको चोबे की पूरी और ये दाल की पूरी बोलते, दोनों ही बना रहे सब लोग मिलके, पूरे लोग मिलके बना रहे हैं अपन, बच्चे हुए सब बड़े। थोड़ा सा व्यू ली मैं, ज़्यादा नहीं ली व्यू। और यहाँ पर मैं रखते जा रही हूँ, यहाँ पर यह जैन है मेरा बेटा, आगे मेरे को सता रहा था। और यहाँ पर पूरियाँ रख के मैं चूल्हे का तैयारी कर रही थी फ्राई करने की, ऐसे पूरियाँ बाहर चूल्हे का ज़्यादा नहीं आ रहा, तो चूल्हे के पास निकाल के बाहर बड़ा चूल्हा लगा के उसके अंदर पूरियाँ तले, सब जनो लेडीज हुए रिले क्या बोलते सब, बाहर के नेबर्स लोग भी आए थे डालने के वास्ते पूरियाँ। यहाँ पर भी पूरियाँ और बोलते सब यहाँ पर भी रखे ऊपर, नात वे लगा के करके हम लोग अच्छे से बनाते। और यहाँ पर टेबल पे भी डाल रहे थे पूरियाँ, ये फुल हो गया तो वहाँ पर टेबल पे भी डाले थे। ये चोबा, ये चोबा नहीं है, ये है दाल की पूरी बोलते इसको, इसके अंदर गुड़ चने की दाल सौंफ डाल के बनाते, बाद जो ना शक्कर भी डालते, बाद जो ना गुड़ भी डालती। ये है चोबे की, तो खोपरा खशखश नहीं, खोपरा बादाम काजू शक्कर डाल के भी बनाते हैं। और यहाँ पर मेरे ननन की बेटी है, ये हम पूरी बना रहे, तो मैं ली थोड़ा सा व्यू। उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं तलने की ऐसे कर गई थी, यहाँ पर स्लो आ रहा था, देखो स्लो आ रहा था, मैं बड़े चूल्हे को लगा डाली, ये निकाल डाली मैं। अरे यहाँ पर अगर थोड़ा सा गंदा हो गया था वो दाल वे उबाले करे तो थोड़ा सा चूल्हा गंदा हो गया था, तब जल्दी जल्दी पकाने के ऐसे होता इग्नोर करना आप लोग। मैं जल्दी जल्दी तल रही थी पूरियाँ यहाँ पर, पूरियाँ तले बांधे, फिर खीर बनाई, फिर आप सभी को भी वही बतला दी, बारह बारह खाना दाल चा फली खीर यम्मी से टेस्टी था, खाए हम लोग फातिया दिलाए बाद में। बाद के घर में बनाते बिरयानी भी बनाते बाद के घर में, और सिर्फ खीर पूरियों पे फातिया दिलाते, या बिरयानी बनाओ या कुछ भी बनाओ घर के हिसाब से बनाते। बाद के घर में चिकन रोटी भी खा लेते हैं,
सिर्फ खीर पूरी हम पे चपातियाँ दिलाते। आपको मालूम है खीर पूरियाँ कैसे बनाते हैं? इससे पहले वीडियो दी थी मैं आप सभी को कैसे बनाते, क्या है क्या नहीं खीर या पूरी। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करती जा रही थी। पूरियाँ जल्दी जल्दी तरी, बहुत लो, देखो फ्लेम बहुत लो आ रहा था। उसके बाद में फिर यहाँ पर तल के पूरियाँ रखते जा रही थी, डब्बे में रखते जा रही थी पूरियाँ तल के। आ रहा था ब्राउन कलर में, आ रहा था ब्राउन कलर करी में। अच्छे से फ्राई करके पूरियों को, ऐसा तलना, वाइट नहीं तलना, ये शेप में तलना, उसको ये कलर में तलना, ये कलर में तलना। जल्दी जल्दी तल के फिर रख दी। यहाँ पर जब तक बाहर चूल्हा चला रहे लगा रहे थे बाहर का, जब तक बाहर खीर भी बनाई से बतला थी बाहर के चूल्हे पे, यहाँ का चूल्हा वहीं यहाँ से हट गई चूल्हे करने से। और तेल जितना गर्म था बिना चूल्हा सिलगाए वैसा भी तल रही। देखो अरे यहाँ पर बाहर बैठ के मस्त हॉल में खीर बना रही थी, मतलब बड़े चूल्हे पे खीर बना रही थी। सब पूरियाँ वो तल के डब्बे में डाल डाली, फिर वो डब्बे में अलग पूरियाँ डाल डाली, जो भी जो भी की अलग डाली, दाल के अलग रखी डब्बे में, तो ये चूबे के ही है, पूरियाँ तल के रख दी। इसके बाद में फिर मैं खीर बनाना स्टार्ट कर डाली दूध में। खीर आप सभी को मालूम है इजी है, बहुत तो हार्ड नहीं है। बाजू में साबूदाना भी डालते खीर में, हम चावल बासमती चावल भिगा के डाल के पीस के बनाते, थोड़ा सा बादाम वही काजू भी डालते पीसते वक्त चावल में। तो मैं पका रही थी खीरे में जल्दी जल्दी, ये एंड में ली मैं जो पूरा पक गई थी ना खीर, इसके बाद में ली मैं। बाद में जो ऐसा गाढ़ी बाद में हो जाती जैसा खीर होती थी, फिर मैं चावल में ये चावल बघारा खाने का तड़का दे डाली, प्याज फ्राई वही करके चावल डाल डाली मैं जैसा पानी गर्म होती कि। फिर यहाँ पर रूम अंदर चूल्हे में हल्ली और दाजा बन रहा था, मैं बाहर चावल और खीर बने तक देर होती, बल्कि देखो अंदर दालचा बन गया और दालचा, देखो तो दालचा ही बन गया, दालचा ही पक गया। और बोलते सो बाजू में खाने पे भी फातिया दिलाते, खीर पूरियों पे भी दिलाते, दिलाने वाले बात नहीं, दिलाने वाले नहीं दिलाते। दाल चाय पक गया था गरम, और ये फली है, फली भी है, ये खीर और पूरियों पे रख के जलेबी रख के फातिया दिला रहे। आप सभी को कैसा दिखा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफिज़।